बारिश के मौसम में कुछ गर्मा गर्म खाने का मन हो तो आपको ये क्रिस्पी पनीर बॉल एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। सबसे पहले सब्जियों को फाइनली चॉप कर लेंगे और एक पैन में ऑयल गर्म कर लेंगे और इसमें जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली को सौते कर लेंगे और हमने जो सब्जी कट की थी उसे ऐड कर लेंगे और 5 मिनट तक कुक कर लेंगे। और ये सौते की हुई सब्जियों को अच्छे से कूल डाउन कर लेंगे और इसमें ग्रेट कर लेंगे पनीर को। नेक्स्ट हम इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक, ओरेगानो, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और हरा धनिया ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें से हम छोटे बॉल्स बना लेंगे, आप चाहे तो इसमें बीच में चीज क्यूब भी रख सकते हो। तो ये हमने सभी बॉल्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। नेक्स्ट हम एक बोल में ऐड करेंगे मैदा, कॉर्नफ्लावर, ओरेगानो, चिली फ्लेक्स, नमक और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी मीडियम थिक स्लरी प्रिपेयर कर लेंगे। इसमें हम बॉल को डिप करते जाएंगे और ब्रेड क्रम से कोट कर लेंगे अच्छे से। और ये सभी बॉल्स बन गए हैं तो इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये रेसिपी पार्टी स्टार्टर के लिए एकदम परफेक्ट है। तो आप ये रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बॉल बारिश में गर्मा गर्म घर पर बनाएं और एंजॉय करें। चीयर्स।